हाय एवरीवन, दिस इज़ किरण, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक चाइनीज़ डिश जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर सॉल्ट एंड पेपर। ये बहुत ही इजी डिश है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पनीर सॉल्ट एंड पेपर बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिया है 200 ग्राम पनीर, ये हमने बड़े बड़े क्यूब्स में काटा हुआ है। अब इसे सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, आप स्वाद अनुसार नमक इस्तेमाल करें। आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे, पहले हम 2 टीस्पून डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल का आटा, कॉर्नफ्लावर और मैदा, ये तीनों ही पनीर का जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जिससे कि पनीर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन सके। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच और कॉर्नफ्लावर डालेंगे, पनीर अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। और लास्ट में हम इसमें 1 छोटा चम्मच ही राइस फ्लावर डालेंगे, चावल का आटा, इसकी जगह आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर को हमको बहुत ही अच्छे से कोट करना है, कहीं से भी पनीर विजिबल नहीं होना चाहिए, चारों तरफ कॉर्नफ्लावर और राइस की कोटिंग इसमें हो जानी चाहिए। अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें पनीर डाल देंगे। हम इन पनीर को 2 बार फ्राई करेंगे जिससे कि अच्छे क्रिस्पी हो जाएं, इसलिए अभी हम सिर्फ 2 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, हम सभी पनीर निकाल लेंगे। अब हम दूसरे स्टेप पे चलेंगे और इन पनीर को हम दोबारा फ्राई करेंगे लास्ट में। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, मैं वही ऑयल ले रही हूँ जिसमें हमने पनीर को फ्राई किया था, लगभग 1 बड़ा चम्मच। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच भर के बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और 1 छोटा चम्मच ही हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। 1 छोटा चम्मच ही हम इसमें एकदम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम कुछ हरी प्याज डाल देंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें हम क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च और अनियन डालेंगे, यहाँ मैंने आधी शिमला मिर्च को क्यूब्स में काटा हुआ है और 1 मीडियम साइज की प्याज को। थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे, हमको इनको 100% कुक नहीं करना है, थोड़ा ही सॉफ्ट करना है। थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। तो ये रेडी है ऑलमोस्ट, अभी हम पनीर को दोबारा से डीप फ्राई करेंगे। तो ऑयल गरम है, एकदम गरम ऑयल में हम पनीर डालेंगे और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, पनीर एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच ही हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है बट बहुत अच्छा लगता है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हम इसमें विनेगर डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे हमारा फ्राई किया हुआ और अच्छे से मिक्स करेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा और ग्रीन अनियन डालेंगे, ये रेडी है और इसे अब हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। चाइनीज डिशेस गर्मा गर्म ही सर्व की जाती है। तो देखिए कितना बढ़िया बना है और इसे बनाना कितना आसान है। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगली रेसिपी के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।